दिल्ली के द्वारका में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। डाबरी में मातृ शिशु अस्पताल के पास कई महीने से कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। जी मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद अब कूड़े के ढेर को हटा दिया गया है और लोगों को राहत मिली है। इस समस्या को लेकर एक युवा ने कूड़े के ढेर के पास बैठकर धरना भी दिया था, जिसके बाद अब खुद डीसी और पार्षद मौके पर पहुंचे, कूड़े के ढेर को हटवाया। कूड़े की समस्या की खबर को प्रमुखता से दिखाने के लिए स्थानीय लोगों ने जी मीडिया का आभार व्यक्त किया। समस्या बहुत गंभीर थी, क्योंकि कूड़े की बात नहीं है, बात यह है कि कूड़ा जो है वो माता और शिशु के अस्पताल के गेट के सामने था, जिससे उनको कई तरीके की गंभीर बीमारियां हो सकती थी, जिस पे अब एक्शन ले लिया गया है और वो बीमारियां होने से बचा ली गई है। तो हाँ जी, कूड़ा पूरा हटा दिया गया है एक दिन के अंदर अंदर, और मेरी जो आवाज़ इतनी बुलंद हुई है, मैं उसके लिए जी मीडिया का और जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। जी मीडिया ने एक खबर दिखाई थी कि डाबड़ी इलाके के जो दादादे हॉस्पिटल है, उसमें किस कूड़े का ढेर है कई महीनों से जमा, और खुद पार्षद निगम जो तिलोत्तमा चौधरी है, उन्होंने कहा था कि जल्द ही एक्शन लिया जाएगा और असर होता नजर है। मैम, जी मीडिया के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी मीडिया को मैं धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने बच्चों और गर्भवती महिलाएँ जो हमारी पेशेंट है क्षेत्र की, उनको बचाने का काम किया। और वैसे ये चीज़ मेरे थोड़ा संज्ञान में थी और हमने क्विक एक्शन लेके, जैसे आपको वादा किया था कि एक दो दिन में इस काम को करा दिया जाएगा, कल आपके इंटरव्यू के बाद मैंने सभी अफसरों को बुला के आईवा गाड़ियां मंगवा करके सारा कूड़ा यहां से उठवाया, और उसके बाद आज सारे सीनियर अधिकारियों को बुलाया और उनको कहा कि अपने अफसरों को निर्देश दे ताकि यहाँ पर कोई कूड़े का पॉइंट जो बना हुआ था वो परमानेंटली यहाँ से हटा दिया जाए। डीसी आए थे और सारे एसी डीसी, विधायक जी भी, विनय मिश्रा जी भी हमारे बीच में थे, और हम लोगों ने डीसी से ये भी डिमांड की है कि जो यहाँ कूड़ेदान है इसको भी हटाया जाए, क्योंकि एक हमने डीडीए को भी लेटर दे दिया है कि इसको शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह हमें जमीन दे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के पास है, कुछ भी है चाहे रिसाइकिलिंग होता है कूड़ा, उसकी स्मेल बैक्टीरिया तो बच्चों को इफेक्ट करता ही है। तो इसके लिए हम काफ़ी दिन से प्रयास में हैं और आपके इस न्यूज़ को दिखाने के बाद हम इस चीज़ को फिर दोबारा से उनसे मीटिंग रख रहे हैं ताकि हमें जल्दी इस जगह अवेल कराया जाए, तो कि ताकि हम हॉस्पिटल के सामने की जगह को अपनी जनता के लिए, अपने माता बहनों के लिए, कि जी मीडिया जनता की आवाज़ जी, आप समय समय पर जो हमें दिखाते हैं, और आपने भी देखा होगा कि आपकी खबर का असर होता है और हम उस चीज़ को तुरंत निदान कराते हैं। तो ये थी निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी, जो यहाँ कूड़े का ढेर जमा था, यहाँ डीसी, विधायक और तमाम अधिकारी आए, और जो कूड़े का ढेर जितना आप देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, इतना ऊंचा जो ढेर था कई महीनों से, और जैसे ही जी मीडिया ने खबर दिखाई तो उसका असर ये हुआ कि यहाँ से क्लीन हो गया, और खुद अब निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने कहा कि जो यहाँ पर रिसाइकल होता है अब वो भी यहाँ से साइड हटाई जाएगी, क्योंकि ठीक मेरे लेफ्ट साइड में श्री दादा देव मातृ शिशु हॉस्पिटल है, यहीं से समस्या जो है बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसकी स्वास्थ्य को जान देखते हुए यहाँ निगम पार्षद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया,